फैमिली पास अब मिल रहा है उसका प्राइस 800 रुपए और कपल्स पास का भाई 300 रुपए पहले था, अब पर 400 रुपए अब हो गया कपल्स। किसके वीडियो में आ रहे हो आप? व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं अतुल भैया, उनके थ्रू हमको पास मिला था। पास कितने की मिल रहा, कहाँ से? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में थोड़ा बहुत हम आपको अभिव्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं, तो वही बताते हैं कि हमें पास कैसे मिले, क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करके पूछे भैया पास कितने की मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है और कैसे मिला भाई। तो देखो, जो हमारे पास पास था वो हमारे पास फैमिली पास था, वो हमको किसी के थ्रू मिला था। हमारे एक भैया है अतुल भैया, उनके थ्रू हमको पास मिला था, इस कारण हम चले गए थे। वैसे उस पास का प्राइस है 800 रुपए, जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ, हमने अभी पास लिया नहीं है तो उसका प्राइस है 800 रुपए। पहले उसका प्राइस था कि 500 रुपए था फैमिली पास था, फैमिली पास था जो हमारे पास था, वो फैमिली पास का 500 रुपए प्राइस था। पर अब जो फैमिली पास अब मिल रहा है उसका प्राइस 800 रुपए और कपल्स पास का भाई 300 रुपए पहले था, अब पर 400 रुपए अब हो गया कपल्स पास का। पर हमें कपल्स पास लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास लड़के रहती नहीं है, हम लड़के रहते, 4-5 लोग चले जाते हैं, तो ऐसे पास हमें मिला था। पास करीबन अभी भी तुमको अगर पास चाहिए तो पास तुमको जहां अभिव्यक्ति गरबा हो रहा वहीं काउंटर बने हैं 2-3, तो वहां पास मिल जाएगा। हो सके किट नंबर 3 पे काउंटर बनाए तो वहां आप लोगों को पास जितने भी चाहिए सारे पास मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोचा कि यार इस वीडियो में बता दो, और मैं बता कि रहा, हो सके आज हमको फिर से एक पास मिलने वाला है, क्योंकि हमारे विजय भाई ना बहुत जुगाड़ू आदमी है, कहीं ना कहीं से पास तो जुगाड़ करके ला ही लेता है। तो आज वो फिर से एक कॉलेज गया, कॉलेज से कहीं ना कहीं से पास जुगाड़ करके लाएगा, फैमिली पास या देखते कपल्स पास जो भी जैसा होगा तभी ला ले, उसके बाद चलेंगे। बाकी आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे फिर से अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति वाली वीडियो में भाई व्यूज अच्छे खासे जाते हैं। अगर वहाँ बिगड़ नहीं गया, मतलब गरबा खेलने नहीं जा पाया, तो आप लोगों को आज पंडाल दिखाने, हो सके अपने गोप्रो के थ्रू चल देंगे, तो अभी जो भी होगा बताएंगे। अभी तो हम बैठ के भाई यहाँ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखेंगे, उसके बाद बाकी डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना है। और अभिव्यक्ति साइड तो जाना ही है, देखो भाई कुछ ना कुछ करके कंटेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं अभिव्यक्ति वाले, क्योंकि हर बंदा सर्च कर रहा है ना भोपाल में अभिव्यक्ति कहाँ हो रहा। और हाँ, हमें सलकतपुर भी जाना है, तो अभी हम डेट डिसाइड कर रहे कब जाए, आज का तो था पर आज कैंसिल होगा, कल का सोच रहे परसों का सोच रहे, क्योंकि फिर उसके बाद जाते जाएंगे ना भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी मंदिर पे माता जी की, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा पहले चले जाओ, क्योंकि भीड़ भी कम रहे, दर्शन भी हो जाए, नहीं तो वैसे जाएंगे दर्शन भी नहीं हो पाता, फिर अच्छा नहीं लगता दर्शन नहीं हो पाता। तो और सलकनपुर के बाद हमें जाना झांकियां घूमने भी जाना, जो हमारे भोपाल में बड़ी बड़ी झांकियां बनती है माता जी की, वो भी हमें घूमने जाना है। तो अभी उसका सबका प्लान कर रहे, क्योंकि आजकल सब बिजी रहता ना, इधर उधर टाइम निकल नहीं पाता है, तो अभी सबका प्लान करेंगे और फिर इकट्ठा जाएंगे। और आज का पता नहीं जिम जा रहे या नहीं जा रहे, जो भी होगा वो तो बता देंगे जिम जाएंगे या नहीं जाएंगे जैसे भी, क्योंकि अभी अभी जिम जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है यार भाई, नवरात्रि खत्म हो जाएगी उसके बाद जिम अपना सब आराम से होता रहेगा बिल्कुल एकदम मस्त से। तो चलो अभी थोड़ा बहुत मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि देखो रेस्ट नहीं किया जरा सा भी, और भाई 3 दिन से सोया भी नहीं हूँ, जिस दिन से अभिव्यक्ति से आया था उस पर दिन रात के 1:30 बजे घर आया, और ऊपर से 3 बजे नींद लगी, फिर 8 बजे जग गया, फिर ऐसे आज भी ऐसे हो कि लेट सोया लेट जगा, तो भैया अभी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। कोई ना, पर अभी चले थोड़ा बहुत नीचे वाले रूम में रेस्ट करते हैं, बाकी अगर रात शाम को जाएंगे अभिव्यक्ति तो आप लोगों को दिखाएंगे ही, पर वहाँ गोप्रो लेके नहीं जा पाते, क्योंकि देखो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और गोप्रो में रिक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं रिक्स नहीं लेना चाहता दोस्तों, इसलिए गोप्रो लेके नहीं जाता मैं, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं आप लोगों से कुछ क्षणों पश्चात। तो भाइयों अभी अभिव्यक्ति जाने का हमारा प्लान हो चुका है कैसे, क्योंकि विजय भाई पास लेने कॉलेज नहीं जा पाए, क्योंकि आंटी को थोड़ा उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था, हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तो अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं व्यू निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत व्यू जाके टाइम पास करेंगे, उसके बाद घर आएंगे, घर आके फिर हमें जिम भी निकलना है, तो सारी चीजें करेंगे। अभी फटाक चलते हैं, थोड़ा दुकान में काम करना, उसके बाद बाकी काम करेंगे, फिर आप लोग रास्ते में मिलेंगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं। आ चुके हैं हम और ये दोनों, अभी व्यू से थोड़ा 5-10 मिनट के लिए घर रहेंगे, 5-10 खा जाएगा, खा जाएगा साले। इधर हो चुका है बाबू लोग का मैच, ये लोग खेल रहे हैं ग्राउंड पे ही बैठे हुए हैं हम, ठीक है अभी कुछ हो ही नहीं रहा, मैच हो नहीं रहा वजह से बैठने ये ग्राउंड से हम निकल रहे हैं, कुछ किया नहीं आके। और इधर फुटबॉल वाले देख लो वो खेल रहे, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर आए हैं, ये देखो ये वाला, ये तो वेस्ट इंडीज से आए। और एक ये कहाँ से है, तू कहाँ से आया भाई, तू कहाँ से आया? ये नागालैंड से, नागालैंड वेस्ट इंडीज सब जगह प्लेयर आते भाई हमारे ग्राउंड पे। चलो भैया फटाक चलते हैं, इसका एक कुत्ता चेंज कराते, जल्दी चल जल्दी चल,
समझ क्यों बोल रहा हूँ, आके कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ टाइम बर्बाद किया अपना, जो भी किया 5 से 10 मिनट, समझ रहे हो। अब घर जाएंगे, ब्राइटनेस ऑटो कैसे हो गई थी, अब घर जाएंगे और आज एक पहले कुर्ता चेंज कराना है, उसके बाद घर चलना है और फिर जिम निकलना है। देख रहे हो तुम्हारे भाई की मेहनत। घर आ चुके हैं अभी, अभी थोड़ा सा दुकान पर जाते हैं, उसके बाद दुकान से फ्री होंगे, फिर जिम के लिए रेडी होंगे, फिर जिम निकलेंगे, फिर जिम में शूट करेंगे। और व्यू गए थे बस एक ही मैच हो पाया सारा, ज्यादा कुछ तो हो नहीं पाया है। चलते फटाफट अभी दुकान पे, उसके बाद आप लोगों से वापस से मिलते हैं। Hours later. चलो भाई जिम जाएंगे, हो चुके रेडी, फटाक से अपर देते और जूता पहनते और निकल लेते घर से फटाफट जिम, क्योंकि विजय लोग पहले पहुंच गए, विजय और संतोष भैया, बस मैं ही बच्चा हूं, तो मैं चलता हूं वर्कआउट करते। अगर व्यक्ति तो नहीं गए, पर कोई ना, अब व्यक्ति ने गए क्या हुआ, अब व्यक्ति के बारे में आप लोग बता देंगे। बहुत सारे लोग मुझे बच्चे भी लेके जा सकते हैं, पर बच्चे का नहीं पता भाई मुझे, क्योंकि बच्चे मुझे वहाँ एक भी नहीं दिखे, तो मुझे नहीं पता कि बच्चे लेके जा सकते हो नहीं जा सकते हो। तो बच्चे लेके तो हो सके नहीं जा सकते हो, बाकी 5 उसका रेट मैंने बता दिया है। चलो अब चलते जिम में, बाकी मिलते हैं आप लोग। भैया जिम आ चुके हैं अभी, ये लोग तो कर रहे वर्कआउट, अपन तो अलग करेंगे, चेस्ट ही लगाएंगे बट अलग मारेंगे। साले के साथ तुम्हारा उसको लगे कि मैं आज उससे गुस्सा हूँ, ऐसा लगना चाहिए कि जल्दी आ गया ना वो। आज अपन भी लगाने वाले हैं चेस्ट, इसको पता नहीं कि मैं चेस्ट लगाऊंगा, साले को बताऊंगा भी नहीं चेस्ट लगा रहा हूं मैं, बस इसका कर ले। ये लोग को अभी कितने 45 मिनट आए हुए हैं इनको, साले को कर रहे, साले अकेले अकेले इनकी भैंस की दाम करने देते हैं, इसका तो पुशअप लगाएंगे फिर अपन भी करेंगे। तो चलो भैया जिम के अंदर एकदम प्रवेश हो चुके हैं, हमने योगा भी कर लिया है, एक्सरसाइज भी चालू कर दिया है और चेस्ट लगा रहे हैं। फ्लैट बेंच हो गया है, अपर चेस्ट हो रहा है, उसके बाद लोअर चेस्ट बचेगा, अपर चेस्ट का एक बचा है बस, उसके बाद लोअर चेस्ट लगाएंगे ठीक है। बाकी ये देखो ये फर्जी लोग वो हैं जो साले वैसे बोलते हैं अरे चलना चलना चलना, फर्जी लोग ये सब देखो, इनकी बेइज्जती हो रही थी, कैमरा मेरा छोड़ छड़ा के जा रहे भाई, सब के सब साले फर्जी है, बस इन पे ध्यान मत दो, इन पे ध्यान मत दो क्योंकि साले फर्जी है। बाकी अपन अपनी वर्कआउट करते ठीक है फटाफट, और भाई से पंप हो रहे ना, चलो चलो भाई अब करेंगे लोअर बेंच पर 10 से ज़्यादा वेट लगा के नहीं करेंगे। तो भाई अभी आ चुके हैं बटरफ्लाई करने, तभी हम चिड़िया उड़ा रहे हैं, यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, इधर देखो रोतले लोग हैं कुछ है, दिख रहे हैं ना रोतले लोग हैं ये। अभी हम चिड़िया उड़ा रहे हैं, इनकी जल रही है, इनकी जल रही है कि मैं चिड़िया क्यों उड़ा रहा हूँ, बाल ऐसे रखो क्या क्या बोलते हो, सही लग रहा है ना चिड़िया, क्या लुक सही है। चलो फटाक से चिड़िया उड़ाते, पूरी जितनी चिड़िया है ना सारी उड़ा देते हैं, उसके बाद आप लोगों से वापस मिलते हैं। चिड़िया उड़ा के अपनी वर्कआउट कम्प्लीट हो चुकी है, अभी एक बची है बस, जो डम्बल पुल ओवर होता है ये वाला, वो बच्चा है, फटाक से वो करते हैं ठीक है, उसके बाद वापस मिलते हैं। अभी तो यहाँ शर्टलेस हो सकते हैं अपन, चेस्ट लगाने के बाद बॉडी कंडीशन हमारी ये है, दूर से देख लो, इसीलिए हमने पीछे की लाइट बंद कर दिया है। चेस्ट लगाना, बॉडी कंडीशन चेक करा रहा हूँ तुम्हें, वो लेवर के कांधे से डोर बचे हैं वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं। बाकी बॉडी कंडीशन कैसी थी बताओ ठीक है, बैक बैक नहीं दिख रहा होगा, बैक नहीं दिख रहा होगा। एक टाइम आ चुका है वर्कआउट अपनी टर्न, अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं, और यहाँ देखो डम्बल से बिखरे पड़े हैं, पर कोई ना, पापा कपड़े पहन के निकल लेते डायरेक्ट यहाँ से ठीक है, क्योंकि 9 बज चुके हैं और सिर्फ अकेला था, अकेला अच्छा वर्कआउट हो गया, मज़ा आ गया अकेले करते थे, कल सोच रहा हूँ अकेले जाओ विजय को छोड़ दूँ ऐसा लग रहा है। पहन लिए हैं अब निकलते हैं यहाँ से ठीक है, कपड़ा पहन के निकल, रूम में आ चुके अपना कपड़े उठाने, हमारा कपड़ा यहाँ रखा है, तो कपड़े लेते हैं और निकल लेते हैं। और हो चुकी हमारी फ़ोटोशूट जितनी भी होनी थी, सब कुछ हो चुकी है ठीक है, अब चलते हैं घर पे मिलेंगे, घर पे क्या मिलेंगे, घर पे वीडियो एंड कर देंगे, अब चलने का टाइम आ चुका है।